कभी मैं बंद मुट्ठी। गांव में गंदगी फैलाना, ये हमारी परंपरा कब से बन गई? तो हम सब क्या करेंगे, शौचालय जाएंगे। मैं मानवता अस्पताल से बोल रही हूँ और यहाँ कई मरीजों का इलाज चल रहा है। अब तक प्रतापपुर में कई जगह मेडिकल कैंप्स भी लगा दिए गए हैं। देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी जड़ है खुले में शौच, इसे तो बंद करना ही होगा। इसीलिए हम लोगों को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। ओपन डेफिकेशन यानी खुले में शौच, आज भी हमारे देश में ये एक सच्चाई है जिसकी वजह से हमारे कई परिवार, खास करके हमारे बच्चे, गंदगी से होने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। मैं कुछ भी कर सकती हूँ कि हमेशा से कोशिश रही है कि हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर सकें, उन्हें शौचालय का महत्व समझाएं, उनके जीवन में एक अच्छा परिवर्तन ला सके। और ये परिवर्तन हुआ भी है। नमस्ते संगीता जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं। संगीता जी, क्या आपके गांव में अभी भी खुले में शौच होता है? आज यदि शौच होता है फिर दूसरा जगह जाना पड़ता है। हम लोग जूट बन के जाते हैं, अंधेरा जगह है, बरसात में और भी दिक्कत होता है दीदी। तो फिर इस बारे में आपने क्या किया? तब दीदी हम घर में सलाह किए, अपना हस्बैंड से बोले कि मतलब सीरियल हम देखे हैं तो मेरा शौचालय बना दीजिए। तो जब हमारे गांव में शौचालय बन रहा था तो ना हमारे घर में पैसा कम पड़ गया, तो हमने अपना मंगलसूत्र बेच के और पैसा पूरा किया था बुआ जी, पर बहुत लोगों को हमारी बात अच्छी नहीं लगी। फ्रेंड बोले कि ठीक है, शौचालय बनाने के लिए बोल रही हो तो उसमें पैसा लगता है, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो हम बोले कि मेरे पास कुछ पैसा है और कुछ पैसा ग्रुप से उठाते हैं। तो अपने कर्जा लेकर के शौचालय बनवाए? तो कुछ दिन तक सब लोग हंसे कि शौचालय के लिए लिए थी कर्जा लिया जाता है, लेकिन हम बोले दीदी से कि हंसिए आप लोग, हमको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है छाती पीट रोने से, मुक्ति मिलेगी घर में शौचालय के होने से। हमें सुख चैन मिला शौचालय बनाने से, बीमारी भगाने से, स्वच्छता को लाने से। खुले में शौच की समस्या सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है बल्कि पूरे गांव की समस्या है, और इस बात को बच्चे भी जानते हैं। इसीलिए गांव-गांव में आ रहे इस परिवर्तन में उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मोनू, मैंने सुना है कि तुम इस गांव में बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हो, है ना? जी मैम, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सीरियल देखने के बाद में। कुछ लोग शौचालय खुले में शौच करते थे, उसे जाके समझाते थे, बताते थे कि खुले में शौच नहीं किया जाता है, उससे गंदगी फैलता है और बीमारी होता है। तो तुमने किस तरह से लोगों को समझाया? लोगों को हम समझाने के लिए अपना फोन ले गए, अपना मोबाइल उसमें दिखाए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सीरियल। तो मोनू, जब तुम सबको समझाते थे, रोकते थे, तो अगर कोई नहीं मानता था तब क्या करते थे? मुझे जब देखें कि जो खुले में शौच करते थे वो नहीं मानते थे, तो उसका नाम झंडा गाड़ते थे कि वो सब आदमी पढ़ता था, ये पता चलता था कि ये लोग खुले में शौच करते थे। अच्छा, तो इस तरह से तुम उनको शर्मिंदा करके इस चीज़ से रोकते थे। जी। तो तुमने ये जो मुहिम चलाई, इतनी तुमने कोशिश की सबको रोकने की, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ? गाँव में सब लोगों ने शौचालय बनवाए या नहीं? उर्मिला जी मुझे बता रही थी कि आप लोगों ने भी अपने घर में शौचालय बनवाया है। जी, उर्मिला दी बना रही थी शौचालय, तो उनका देख करके हम भी बनाए। तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने पूरे गांव के भले का काम किया है। मैं देखा हूँ सीरियल आपका दीदी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ मैं कुछ भी कर सकती हूँ नहीं, बल्कि हम सब कुछ भी कर सकते हैं। स्वच्छता सिर्फ जीवन का एक तरीका नहीं है, ये अपने आप में एक दवा है, एक ऐसा इलाज जो बीमारी को आने से पहले ही रोक सकता है।
और गांव-गांव में होते हुए इस बदलाव को देखकर महसूस होता है कि अगर कोई बात सही तरह से मन में घर कर ले तो उसका सफल होना तय है, किसी सपने का पूरा होना मुमकिन है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ।